और एक बात और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि नेताजी का जिक्र चल रहा था। हालांकि आप पर है, आप बताना चाहें नहीं बताना है। जब आपने, ठीक है जैसे आपने कहा कि राजनीति में मूड आते हैं क्योंकि राजनीति तो करनी है, अब जब यहाँ दरवाजा बंद हुआ, जब आप दूसरी जगह चुनाव लड़ने गए तो नेताजी ने कोई नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कुछ कहा हो आपको? जब मैं लगातार 3 बार MP रहा, उसके बाद 4थी बार जो उन्होंने टिकट काटी, उसके बाद बहुत अच्छा चुनाव में लड़ा। वो कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी का गठबंधन जिसकी अपेक्षा किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने कभी नहीं की थी। जी बिल्कुल, क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक मंदिर वाले, एक मस्जिद वाले। बिल्कुल। और चूंकि बाबूजी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाए हुए थे, सदन में नहीं थे, और इसी प्रकार से राजू भैया उनकी पत्नी चुनाव लूज कर गई थी, तो ये गठबंधन हुआ। आगरा में ही आप देखते होंगे एक फोटो होगा कि बाबूजी के ऊपर समाजवादी पार्टी की टोपी यहाँ पर एक सम्मेलन में हुई। जी बिल्कुल, ध्यान है चुनाव। वो मैं बहुत छोटे कम वोटों से हारा क्योंकि बाबूजी में अपने वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी, और फिरोजाबाद लोकसभा में 2 उन्हीं की जात के MLA भी थे 17 से 22, इसका मतलब वोट है। उसके बाद में मिला तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने टिकट काटी तो स्वाभाविक बात था कि तुम्हें चुनाव लड़ना था। लेकिन जब मैं राज्यसभा छोड़ के 3 साल की और फिर अक्षय यादव से फिरोजाबाद लड़ा, इस पर उन्होंने ज़रूर कहा कि देखो हमने तुम्हारी टिकट काटी, तुम लड़े, हमने बुरा नहीं माना, राजनीति करोगे, अभी तुम 4थी बार MP हो, 3 साल की राज्यसभा छोड़ के लड़ रहे हो, अब हम इसको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि कोई तुम 2 सदन में तो रहोगे नहीं कि लोकसभा में भी रहो राज्यसभा में भी रहो, तो 3 साल की राज्यसभा छोड़ने का केस पहला है, और उससे भी खराब कठिन सीट पर मैं लड़ा। तो उनका अगर तुम नहीं लड़ते तो सर्टिफिकेट लेने जाना होता, अब तुम लड़ रहे हो तो मेरे को वहाँ 45 सभाएँ हेलीकॉप्टर से करनी पड़ी। जी तो फिर कहा जब लड़ाई तो लड़ाई हो, दोस्ती तो दोस्ती। तो मेरा ये कहना था कि गीता पढ़ ली थी मैंने काफ़ी पहले, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर ये महसूस करती है कि मैं ही लड़ सकता हूँ, फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं कोई आत्म प्रशंसा के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये भी एक प्रशिक्षण बच्चों के लिए है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी, और उन्होंने मुझे 10 साल में 5 चुनाव लड़ाएंगे। जी अब एक भी रिकॉर्ड ऐसा बता दो कि 14 में, और वो भी खराब सीट पे लड़ना ज्यादा क्रेडिट की बात होती है। बिल्कुल, इसीलिए हमने 17 का नाम कमांडर रखा है। नहीं, 14 की लोकसभा जी फिरोजाबाद जी, 17 की विधानसभा टूंडला, 16 बार हम लोग हारे थे BJP जी, तो इसका मतलब है कि वहाँ जितानी थी। फिर 19 सपा बसपा गठबंधन होते ही थोड़ा कठिन हो गई थी, फिर 22 करहल, तो शायद 24 भी लड़ाए, तो 14, 17, 19, 22 और 24 10 साल में 5 चुनाव लड़ूंगा, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी मेरे लिए मैंने गर्व की बात है, और पार्टी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि परिणाम जो भी हो, लेकिन मुझे इस लाइक हमारे दल ने समझा है कि कठिन सीटों पर हमको लड़ाया जाता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।